बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। इससे पहले कि अपनी वीडियो स्टार्ट करें, एक छोटी सी गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जो जितने भी पाकिस्तान में जो मॉडल्स जो हैं 30-40 के जो कॉमन जो हैं, मतलब कि जो ज़्यादा आज के दौर में यूज़ हो रहे हैं, मैं उनके बारे में वीडियोज़ और छोटी सी वीडियो होगी, प्राइस बताऊँगा, क्वालिटी बताऊँगा और डेट्स ऑल, और कहाँ से बनते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमारे पास तीन यहाँ पे हैं पिस्टल हैं, ठीक है। मेन कॉमनली 7 शॉट है, बेरेटा 30 बोर है, ठीक है, और 7 शॉट वही है। तो इसमें आपको मैं ये बता दूंगा और आपको किस यूज़ के लिए चाहिए होंगी मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो इसमें यह है कि सबसे पहले जो हम शुरू कर लेते हैं कि 7 शॉट, ठीक है, 8 शॉट है, सॉरी, ठीक है, 8 शॉट इसमें आते हैं। इंसाफ शाह का बना हुआ है, आगे भी आपने वीडियोज़ देखी होंगी। 10,000 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है, और ये इसकी क्वालिटी आप चेक कर लें, ये लें, ठीक है। इसके आप बैरल भी देख लें, बेहतरीन है, पाक मेड लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये भी यहाँ पे, ठीक है। और इसकी मैं आपको जो है वो चेक करा देता हूँ इसकी आवाज़, ठीक है, डबल टक पे बनी है, बहुत अच्छा पिस्टल है। अगर आप लेना चाहेंगे तो इंसाफ शाह से मिल जाएगा आपको पिस्टल, और बस यही है, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आपने डेली कैरी करना है इसे, मतलब कि अगर आपने अपने साथ जो है कैरी करना है इसे, कंसील कैरी करना है, अगर आप बाइक पे हो या वैसे आप फिर रहे हो, तो ये सबसे बेहतर जो है, सबसे बेस्ट पिस्टल आपके लिए 8 शॉट है, सॉरी। और इसको आप एक चैम्बर में रखें तो आप जो मैं आपको सेफ्टी हमेशा बताता हूँ कि ट्रिगर को दबाएँ और ट्रिगर को छोड़ दें और आहिस्ता आहिस्ते इसे ऊपर आने दें, और ये सिंगल लॉक हो जाएगा हैमर आपका, और ट्रिगर भी लॉक हो जाएगा जब आपने फायर करना है आपका राउंड अंदर ही, आपने जस्ट इसका ट्रिगर पुल करना है पीछे, हैमर पुल करना है और आप रेडी टू फायर हो जाएगा। 10,000 रुपये प्राइस इसकी, बहुत अच्छा पिस्टल है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलें तो हमारे पास बरेटा, जिसके माशाल्लाह से 4 लाख व्यू होने वाले हैं तकरीबन, और ये है जी बरेटा, ठीक है। 15 शॉट्स आते हैं इसके अंदर, लेकिन होता 15 का मैक्सिमम, लेकिन होते हैं 14 शॉट्स हैं। ये ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह फिल्म्स में यूज़ होता है, यंगस्टर्स को ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यंगस्टर्स जो हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो इन चीज़ों का शौक ना किया करें, जिनके पास लाइसेंस है वो ज़रूर करें, लेकिन ये ज़्यादा जो है मूवीज़ वगैरह में यूज़ होती है, जो पबजी जो है वो वीडियो गेम जो है उसमें भी जो है ये ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही है, मोबाइल गेम, सॉरी। तो बरेटा, ठीक है, और तीन मैगजीन आते हैं, बल्कि इसके अंदर आप 30 राउंड वाला भी लगा सकते हैं, और ये 15-15 शॉट के जो है 2 मैगजीन होते हैं। इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका ये मेन फंक्शन ये है कि अगर आपने सिर्फ गाड़ी में कैरी करना है या आपके सिर्फ घर में पड़ा हुआ है तो सिर्फ आप फिर ही आप कैरी कर सकते हैं। अगर आपने कंसील कैरी करना है, आप बाइक में पैदल हैं, तो फिर मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये यूज़ करें, क्योंकि ये जो पिस्टल है ये बिल्कुल एक ऐसे ही है कि जितना आप कोई ईंट जो है अपने साथ, जो ब्रिक होती है वो आप अपने साथ जो है ईंट कैरी कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि ये बहुत भारी पिस्टल है। अभी तो ये बिल्कुल मैगजीन इसका खाली है, और इसका 1 किलो तकरीबन वज़न होगा अंदाज़ा, 900 ग्राम या किलो। तो और दूसरा ये कि इसका वेट और ये विड्थ जो है इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप ये देख लें, काफ़ी मतलब चौड़ा भी है और लंबा भी है और काफ़ी मोटा, मतलब अगर आप इसके अंदर आप 10 शॉट भी अगर आप लोड कर लें तो ये तकरीबन 1 किलो के करीब जो है ये पहुँच जाता है, और अगर आपने 2 मैगजीन कैरी करने हैं तो फिर ये 1.5 किलो के करीब पहुँच जाएगा। तो आपको ये मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कैरी करें, लेकिन अगर आपने गाड़ी में और घर में कैरी करना है विद लाइसेंस तो फिर आप ज़रूर ये मतलब ये रखें, फिर इससे अच्छी ऑप्शन कुछ नहीं है, फिर मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा अभी नहीं। ये मूनस्टार का बना हुआ है, 25,000 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है, और इसकी सेफ्टी भी वर्क है, ठीक है। सेफ्टी जब होती है, जब आप लगाते हैं सेफ्टी, तो ये देखें जो फायर पिन जो है वो अंदर चली जाती है, जब आप सेफ्टी रिमूव करते हैं तो ये आप देखें, इसका भी डबल टक पे है, ठीक है, ये देखें फायर पिन आ गई, ठीक है, और ये बहुत अच्छा पिस्टल है, ठीक है। इसकी आप बैरल भी देख लें अंदर से, बहुत कमाल है, ठीक है, बहुत नाइस है, बहुत अच्छा पिस्टल है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये ले लें अगर आपने गाड़ी और घर के सेल्फ डिफेंस के लिए आपने रखना है, ठीक है। इसकी मैं आपको ज़रा जो साउंड भी चेक कराता हूँ, तो ये जो है ये एक तो कलर भी बहुत प्यारा है इसका, ठीक है। तो ये 25,000 रुपया, ये 10,000 रुपये इसकी प्राइस, और क्वालिटी यही है कि अगर आप साफ़ करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 8,500 रुपया ये प्राइस, ठीक है, ये है इसके 7 शॉट है, ये 7 शॉट है, ठीक है। एक आप चैम्बर में कैरी करेंगे तो वो फिर जो है वो आ जाएगा इसके अंदर 8 शॉट में, ठीक है। 8,500 रुपये प्राइस है, लेकिन इसमें जंग वगैरह लग चुका है, M.Bosses का ये आजकल नया पिस्टल निकला हुआ है, लेकिन ये आप मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप परचेज़ करें। इसकी बैरल में जंग लग जाता है, इसकी बैरल बहुत ब्रीक होती है, और इसकी सारी ट्रिगर असम्बली में और इसके मैगजीन्स में, और ये भी आप देखते चलें तो इसका सारा जो है ये जंग में लग जाता है। हालांकि इसे WD-40 वगैरह भी अभी लगाया हुआ है, लेकिन बिल्कुल नहीं, इसका जंग जो है वो उतर रहा है, ठीक
ठीक है, इसकी भी आप जो है आवाज़ सुन लें, ये इस तरह, ये इस तरह है, ठीक है। और ये इसका जो ट्रिगर जो है वो काफ़ी मतलब कि हैवी है, तो ये आप, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप नहीं लेना 1500 रुपये और खर्च करके आप ये वाला ले लें, ठीक है। ज़िगाना, अब बात आ जाती है मैंने ज़िगाना क्यों नहीं इंक्लूड किया। ज़िगाना को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि पहली बात है वो आप अक्सर जो है लोग जो है उसे ऑटो में ले जाते हैं, वो ऑटो में, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि देसी है पिस्टल है, और अगर आप ऑटो उसमें से ब्रश फायर करते हैं तो कभी भी बैरल फटने का आपके हाथ में चांसेस होते हैं, बल्कि पूरा पिस्टल फटने के, क्योंकि वो एक तो 30 बोर की गोली अगर आप देखें तो ये बहुत हैवी गोली होती है, मतलब 9mm से बहुत हैवी गोली होती है और बहुत लंबी भी होती है, तो ये अगर अड़ जाती है, ठीक है, या अगर ये डबल जो है वो कभी कभी ऐसा भी देखने में कि डबल जो है लोड हो गए और गोलियां जो हैं वो मतलब के बीच में पिस्टल के फट गई और हाथ का भी नुकसान होता है, तो ये 3 मेन पिस्टल हैं, इसलिए मैं ज़िगाना भी रिकमेंड कर रहा। वो एक तो दूसरी बात ये कि ये जो है लॉन्ग स्लाइड हैं सारी, ठीक है, पर बिलफर्ज अगर आप बरेटा देखें तो ये देखें कि अगर आपने गोली डालनी है तो ये देखें ये लॉन्ग स्लाइड है, ठीक है, ये इसमें मतलब किसी भी तरह से ना ईजिली जो है ना वो बाहर आ जाएगा खोखा इसका 30 बोर का, ठीक है, लेकिन वो बना ही 9mm के लिए। ज़िगाना जो है ना ये तो हमारे जो है ये 30 बोर में फिर भी जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि ये अब बना बना के जो है हमारे देसी जो है वो एक्सपर्ट हो गए इसमें, और इसमें भी आप देखें कि ये खोखा जो होगा इसका वो सम हाउ जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, इसका जो यहाँ से जो खोखा इजेक्शन के लिए जो होता है वो काफ़ी जो है वो बड़ा होता है, देखें पूरी बुलेट जो है वो बाहर फेंक रहा है, तो वो होते हैं, लेकिन ज़िगाना में आप देखें तो अगर आप इस तरह की बुलेट जाए जैसा मैं इसमें लोड कर रहा हूँ तो वो ईज़िली बाहर नहीं निकलती, वो भी आपको ना टेढ़ी टूढ़ी करके निकालनी पड़ती है या फिर उसे फुल जो है इजेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसे जो है मैं बिल्कुल इसी तरह निकाल लूँगा बाहर, तो इस वजह से मैं ज़िगाना रिकमेंड नहीं करूँगा। ये 3 पिस्टल हैं, इसमें से 2 रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको, और ये किसी से भी बनवा लें, इंसाफ शाह से बनवा लें, किसी से अच्छा बरेटा ले लें, अच्छा टीटी ले लें, ये 2 आपके लिए, और मैंने इनका यूज़ भी बता दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आई डिसलाइक कर दें, और हमारी वीडियो देखते रहिएगा, और अल्लाह हाफिज़।